अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से इस वीडियो ट्यूटोरियल में खुश आमदीद कहता हूँ। मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में बेसिकली एक वेब डेवलपमेंट का ट्यूटोरियल है, या इसको वेब डेवलपमेंट की टिप या ट्रिक ही समझ लें। तो इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम ये सीखेंगे कि कैसे हम वर्चुअल होस्ट क्रिएट कर सकते हैं लोकली। अगर आपने ज़ैम्प, वैम्प, मैम्प या लैम्प अपने ऑपरेटिंग सिस्टम, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे, मैकबुक, विंडोज, लिनक्स, किसी पे भी आपने इनको इंस्टॉल किया हुआ है, तो कैसे आप उनको वर्चुअल होस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप www. कोई भी वेबसाइट का नाम .com लिखें तो वो वाली साइट आपके लोकल कंप्यूटर पे ही ओपन हो। अच्छा, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई। समटाइम जब आप डेवलपमेंट कर रहे होते हैं अपनी लोकल मशीन पे, तो आपका जो URL बनता है वो बनता है लोकल होस्ट / उस फोल्डर का नाम। सपोज मैंने यहाँ पे वर्डप्रेस इंस्टॉल किया हुआ है htdocs के अंदर, तो उसको एक्सेस करने के लिए मैं लिखूंगा लोकल होस्ट / वर्डप्रेस। अब इसका नुकसान ये है कि जब हम इस वेबसाइट को, जो हमने लोकली कंप्लीट वेबसाइट बनाई है, इसको हम लाइव साइट पे माइग्रेट करें, तो इसमें प्रॉब्लम ये होगी कि इसमें जो अपने इमेजेस वगैरह अपने पेजेस में या पोस्ट में जो इमेजेस वगैरह ऐड किए हुए हैं उनका एब्सोल्यूट लिंक होगा, और वो होगा लोकल होस्ट / wp-content / अपलोड / उसकी जो भी फॉर्मेट आपने रखा हुआ है इमेजेस का, वो होगा। ये मैं जस्ट फॉर एन एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। आप इसके लिए आप स्टैटिक वेबसाइट को भी यूज़ कर सकते हैं, या किसी MVC में आपने, किसी और CMS में आपने बनाई हुई वेबसाइट, उसके लिए भी ये वर्चुअल होस्ट बहुत यूजफुल साबित होगा। तो सपोज मैं कह रहा हूँ कि आपने अपने क्लाइंट है आपका, जिसका नाम है आपकी उसकी वेबसाइट है, जैसे www.mywebsite.com। आप इस क्लाइंट के लिए वर्डप्रेस में कोई वेबसाइट बना रहे हैं, ठीक है। ये अभी साइड मैंने जस्ट फॉर एन एग्जांपल लिया, तो मैं ये करूंगा, अब मैं अपनी जितनी भी वर्डप्रेस की डेवलपमेंट करूंगा वो मैं www.mywebsite.com पे करूंगा, लेकिन ये mywebsite.com हमारी लोकल होस्ट पे होगी, ना कि किसी लाइव सर्वर पे। मतलब हमें इसके लिए ना ही डोमेन के खरीदने की जरूरत है, ना ही कुछ और। सपोज ये क्लाइंट ने ऑलरेडी खरीदी हुई है, तो हम इस mywebsite.com को अपने लोकल होस्ट पे कैसे कन्फिगर करेंगे, वो आज के हम इस वीडियो ट्यूटोरियल में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपके पास ज़ैम्प, मैप या लैम्प में से कोई एक अपने सर्वर इंस्टॉल होना चाहिए। जैसे मेरे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैम्प इंस्टॉल है, और मैं इस वक्त मैकबुक पे हूँ। आप विंडोज पे हो सकते हैं या लिनक्स पे भी हो सकती है। प्रोसीजर इसका सेम है, सिर्फ आपको वो पर्टिकुलर फाइल फाउंड करनी है, जो कि सपोज मैं आपको बताता हूँ कि मैम्प के अंदर अगर मैं यहाँ पे फाइंडर को ओपन करूँ, तो गो पे क्लिक करने के बाद मैं गो टू फोल्डर्स पे, यहाँ पे /etc/host का एक फोल्डर है, जबकि विंडोज के अंदर ये सिस्टम 32 के अंदर etc का फोल्डर होता है, उसके अंदर होस्ट का फोल्डर, इस ड्राइवर का फोल्डर है, उसके अंदर etc। बहरहाल आपने वहाँ से होस्ट की फाइल जो है वो फाइंड करनी है। आप ये सर्च भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे ये सर्च बार है, तो मैं यहाँ पे होस्ट लिखता हूँ सिंपल, और यहाँ पे मैं ऑल फाइल कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं होस्ट लिख देता हूँ। तो यहाँ पे अब मुझे फाइल फाइंड करनी है होस्ट, तो यहाँ पे ये इस etc लाइब्रेरी को फाइंडिंग कर रहा है। आप विंडोज के फोल्डर में वो फाइंड कर सकते हैं इसको, होस्ट वाली फाइल को। मुझे मैक में पता है कि वो है etc में /etc/host, मैं लिख ओके करूँगा, तो इस फोल्डर में मैं आ जाऊँगा etc के फोल्डर में। तो यहाँ पे ये इस फोल्डर में होस्ट नाम की ये फाइल है। इसके बाद इसको मैं राइट क्लिक करके ओपन विद सबलाइन टेक्स्ट करूँगा, तो इस वेबसाइट, इस होस्ट वाली फाइल को ये समथिंग लाइक दिस होगी। आप विंडोज पे हैं या लिनक्स पे हैं, या लिनक्स का तो खैर मुझे इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, हाँ अगर आप विंडोज पे या मैकबुक पे हैं तो आपको होस्ट वाली फाइल कुछ इस तरीके से नजर आएगी। लिनक्स थोड़ा सा सेपरेट ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसलिए उसको ना ही मैंने उसको इतना यूज़ किया, इसलिए मैं उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा। मैंने विंडोज और मैकबुक को ज़्यादा यूज़ किया, तो इसलिए मैं कहूँगा कि होस्ट की जो फाइल विंडोज में है वो भी कुछ लगभग आपको इसी तरीके से नजर आएगी। तो इसमें अपने जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने ये तीन कस्टम जो है ना डोमेन्स, मतलब आप बनाई हुई है कस्टम डोमेन्स मैंने बनाई हुई है, कस्टम वर्चुअल होस्ट मैंने बनाए हुए हैं, zf3.dev, lgblog.dev, l5auth.dev। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम वर्डप्रेस के लिए ये वर्चुअल होस्ट बना सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ, मेरे पास हमने चूंकि इस वेबसाइट को बनाना है, तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करूंगा। तो सबसे पहला आपने जो काम करना है वो इस होस्ट के अंदर आगे आपने लिखना है 127.0.0.1, और फिर स्पेस यहाँ पे देके आपने इस mywebsite.com को यहाँ पे सेव कर देना है। अब जैसे ही आप इस फाइल को सेव करेंगे,
विंडोज में हो सकता है आप परमिशंस का कोई एरर आ जाए, तो आप पहले उस फाइल को अपने डेस्कटॉप पे सेव करें, उसमें चेंजिंग करें, फिर आप उसको ओवरराइड कर दें वापस उस जगह पे, और आप ओरिजिनल फाइल का बैकअप भी जरूर बना लीजिएगा। यहाँ पे मैंने mywebsite.com लिख दिया। अब ये mywebsite.com मेरा एक लोकल सर्वर बन गया। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ mywebsite.com mywebsite.com लिखूँ, सॉरी ये अब मेरी वेबसाइट प्रेस को यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे mywebsite.com लिखता हूँ। ये साथ इसके www आ रहा है, चलो मैं इसको यहाँ पे www भी कर देता हूँ ताकि ये कन्फर्म हो जाए। अब मैं इसको सेव करता हूँ और इसको रीलोड करता हूँ, तो आप देखेंगे कि ये इसको सेव करने के बाद ये चूंकि मेरी हिस्ट्री में सेव हो चुकी है, इसलिए ये उसी को ओपन कर रहा। मैं यहाँ पे इनकॉग्निटो विंडो में जाऊंगा, यहाँ पे लिखूंगा www.mywebsite.com। तो अब आप इनकॉग्निटो में बेहतर तरीके से देख सकते हैं कि mywebsite.com अब हमारा जो लोकल मैप या वैम्प या वैम्प का जो डैशबोर्ड है वो ओपन करेगी। अब इसको हमने सेट करना है कि ये ओपन करे वर्डप्रेस की वेबसाइट पे, तो यहाँ पे हम बेसिकली लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं अगर वर्डप्रेस लिख दूंगा तो मेरी वर्डप्रेस वाली वेबसाइट ओपन हो जाएगी, लेकिन ये हम नहीं चाह रहे, हमारा एम कुछ हो रहा है। तो सेकंड स्टेप में अब हमने क्या करना है, ये स्टेप आपने कम्प्लीट कर लिया, यहाँ पे mywebsite.com लिख दिया आपने, आपके सामने ये फर्स्ट स्टेप हो गया। अब सेकंड स्टेप में आपने ये करना है कि आपने अपने उस फोल्डर में जाना है जहाँ पे आपने मैप को इंस्टॉल किया हुआ है, मैंने इसको एप्लीकेशन में किया हुआ है। यहाँ पे मैं मैप के फोल्डर में होगा, यहाँ के में कौन का फोल्डर होगा, कौन इसको कहते हैं कॉन्फ़िगरेशन का फोल्डर होगा, कौन के नाम से CONF के नाम से, इसके अंदर अपाची का फोल्डर होगा। आपने अपाची के फोल्डर आपकी विंडोज में अपाची का फोल्डर जहाँ पे भी आपने उसको ओपन करना है उसके अंदर httpd.conf फाइल इसको आपने ओपन करना है। यहाँ पे मैंने इसको एटम में ओपन किया हुआ है, यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे httpd.conf फाइल ओपन है, यहाँ पे ये सारी फाइल इसमें आपने इंक्लूड करना है। एक तो यहाँ पे मेक श्योर कर लें कि जो लोड मॉड्यूल है वी होस्ट का, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इस तरह का ये एक्टिव है लोड मॉड्यूल मोड वी होस्ट एलियस या अलाउड एलियस। उसके बाद आपने यहाँ पे आपके पास जो इंक्लूड की एक डायरेक्टरी होती है, आप यहाँ पे इसको वी होस्ट को फाइंड करें, तो यहाँ पे आपको ये वर्चुअल होस्ट का होगा और ये बाई डिफॉल्ट ये मोस्ट ऑफ द टाइम ये इस तरह कमेंट होता है, आपने इसको जस्ट अनकमेंट करना है और आपने ये पाथ फाइंड करना है कि ये पाथ कहाँ पे है, ये फाइल यहाँ पे इस पाथ में होगी, आपने इस पाथ पे जाना है और इस फाइल को ओपन करना है httpd-vhost.conf। अब मुझे पता है ये इसी फोल्डर के अंदर एक्स्ट्रा के फोल्डर में यहाँ पे मौजूद है, तो यहाँ पे मैंने वो जो वर्चुअल होस्ट बनाए हुए हैं ये देखें, ये वाला जो ये तो डिफॉल्ट जो है ये डिफॉल्ट वर्चुअल होस्ट है जो कि लोकल होस्ट पे ओपन होता है। अब जो मैंने ओपन किया ये L5 dev का जो मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पे मैं आपको दोबारा दिखाई दे रही है ZF3.dev का, तो ZF3.dev का यहाँ पे ये देखिए, ये मैंने ZF3 का, ये L5 auth का, ये हमारे पास L5 block का। सेम इसी तरीके से आपने यहाँ पे लिखना है virtual host *:AT और फिर virtual host को क्लोज कर देना, जस्ट लाइक जैसे आप HTML में लिखते हैं ये वैसे लिखना है। फिर यहाँ पे सर्वर नेम आप गौर करिएगा, सर्वर का S और नेम का N जो है वो कैपिटल है, स्पेस देंगे और यहाँ पे अब हम लिखूंगा मैं www.mywebsite.com। अब मैंने कहा कि ये मेरे पास सर्वर नेम है, जब ये ओपन हो तो इसका डॉक्यूमेंट रूट जो ओपन हो वो हो एप्लीकेशंस के अंदर, मेरे पास जो है एप्लीकेशंस के अंदर मैप के अंदर htdocs के अंदर वर्डप्रेस का जो फोल्डर है वो ओपन है। तो अब मैं जब भी www.mywebsite.com लिखूंगा तो वो ये वाला फोल्डर जो है वो लोड हो जाएगा ब्राउजर के अंदर, तो हमारी जो वेबसाइट है वो रन हो जाएगी। अब ये लिखने के बाद इसको सेव कर लें, सेव करने के बाद आप एक दफ़ा अपाची सर्वर को यहाँ से देखें, इसको स्टॉप करें, जो भी आपके पास रैम पर या मैम पर या लैम्प जो भी इसको स्टॉप करें और फिर इसको दोबारा से एक दफा स्टार्ट कर दें। अब आप दोबारा इनकॉग्निटो में जाएं, ये मस्ट इनकॉग्निटो में चेक करना हम इसको जरूरी होता है ताकि आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे अब मैं यहाँ पे लिखूंगा माई वेबसाइट
www.mywebsite.com। अब जैसे ही मैं ये लिखूंगा तो अब ये देखें ये वाली साइट ओपन हो गई है, लेकिन अभी स्टोरी यहाँ पे खत्म नहीं हुई। अब आपने यहाँ पे जाना है डब्ल्यू पी एडमिन के अंदर। जब आप इसको डब्ल्यू पी एडमिन लिखेंगे तो आप गौर करिएगा कि यहाँ पे लोकल होस्ट दोबारा लिखा हुआ आ गया, तो इसको भी हमने चेंज करना है। तो इसके दो तरीके हैं, तो आप डब्ल्यू पी एडमिन अगर एक्सेस हो रहा है तो ठीक है, अदरवाइज आप डाटा बेस में भी जाके इसको चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी थोड़ा सा वेट करेंगे। तो अब मैं लॉग इन हो गया, अब यहाँ पे मैं जाऊँगा सेटिंग के अंदर, जनरल के अंदर, और यहाँ पे मैं ये वाला कॉपी करके जो डब्ल्यू माई वेबसाइट है उसको मैं एक दफा, ये वर्ड प्रेस एड्रेस यू आर एल है और ये हमारे पास है, आप इसको इस तरीके से यहाँ पे इन दोनों को यहाँ पे पेस्ट कर दें और फिर इसको सेव कर दें एक दफा। तो ये काम भी यही होगा कि आप फिर डाटा बेस में जाके सेव हो जाएगा, थोड़ा सा इसको टाइम लगेगा, सेव हो गया। अब ये लॉग आउट होगा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं जैसे ही ये ओपन करता हूँ तो ये साइट हमारी माई वेबसाइट ओपन हो गई। फिर मैं स्लैश डब्ल्यू पी एडमिन लिखूंगा तो ये डब्ल्यू पी माई एडमिन इसी तरीके से यहाँ पे इसका भी यू आर एल बन गया। अब मैं यहाँ पे एडमिन लिख के इसका जो भी पासवर्ड है वो लिख के मैं लॉग इन करूंगा। लॉग इन करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे ये स्टिल जो है ये यही रहेगा, ठीक हो गया। अब इसका नेक्स्ट फायदा ये है कि यहाँ पे जब मैं एड न्यू पेज करता हूँ और कोई इमेज वगैरह वीडियो वगैरह या कुछ भी अब मैं ऐड करूंगा इस पेज के अंदर, अब देखिएगा कि उसका पाथ क्या होगा। एक्चुअल जो है एड मीडिया करता हूँ यहाँ से, ये सारा लोड करेगा। तो यहाँ से मैं सपोज ये कोई सा भी एक इमेज, ये वाला इमेज मैं इंसर्ट करता हूँ, तो यहाँ पे अब आप देखें यहाँ पे जो पाथ बना है वो ये बिल्कुल आपकी ओरिजिनल जो लाइव वेबसाइट है, जो क्लाइंट की वेबसाइट है उसका पाथ बन गया। मतलब अब अगर ये साइट आप कंप्रेस करके, ये डब्ल्यू पी कंटेंट का फोल्डर या पूरे वर्डप्रेस का फोल्डर कंप्रेस करके इसको अपलोड करेंगे, उसकी डीबी को इंपोर्ट करेंगे, तो आपको कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि ये जो पाथ है ये डिफॉल्ट रहेंगे और वही साइट जो आपने यहाँ पे यूज की। अब लेकिन एक चीज ध्यान में रखिएगा कि जब आपने क्लाइंट की वेबसाइट एक्सेस करनी है तो आपके पास होस्ट के अंदर ये वाली फाइल यहाँ से कमेंट होनी चाहिए, अदरवाइज वो बार बार यही वाली साइट ओपन करेगा, आप लाइव साइट ओपन नहीं कर सकेंगे। या फिर आप उस लाइव साइट को आप डब्ल्यू के बगैर एक्सेस कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, फिर आपको इसको चेंज करने की जरूरत नहीं, या यहाँ पे डब्ल्यू होना चाहिए या यहाँ पे डब्ल्यू नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से आप एक सक्सेसफुल वर्चुअल होस्ट लोकल मशीन पे बना सकते हैं और फिर आप उस वेबसाइट को इजीली अपलोड कर सकते हैं विद डेटाबेस, विदाउट मॉडिफाइंग एनीथिंग। क्योंकि अगर यही चीज लोकल, यहाँ पे लोकल होस्ट होता तो आपके पास ये जो पाथ बनना था, अब ये बनना था लोकल होस्ट। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये इस पर भी काम करेगा, ये देखें लोकल होस्ट स्लैश वर्ड प्रेस। अब मैंने ये लिखा है इसको, जब मैं इसको वर्चुअल होस्ट तो ये स्टिल इट्स वर्किंग, लेकिन जब यही साइट आप इस पाथ के साथ अपलोड करेंगे लाइव सर्वर पे तो वो उसको लोकल होस्ट नहीं मिलेगा और वर्डप्रेस का फोल्डर नहीं मिलेगा, तो वो फाइल अपलोड, वो ये वाला इमेज आपको नजर नहीं आएगा। तो मैं खुद मोस्टली जब क्लाइंट्स की वेबसाइट्स डेवलप करता हूँ तो मैं उनको लोकली इस तरीके से डेवलप करता हूँ और उसके बाद फिर इजीली मैं माइग्रेट कर देता हूँ उनको लाइव सर्वर पे, जस्ट उनके सी पैनल पे जाके उसको कॉपी पेस्ट जिप फाइल को, जो भी जितना भी साइज है उसको जिप करके अपलोड कर देता हूँ और फिर उसको एक्सट्रैक्ट करके डीबी को उसके साथ इम्पोर्ट कर लेता हूँ और डब्ल्यू पी कन्फिग फाइल में जाके डाटा बेस का पाथ, यूजर नेम और डीबी नेम चेंज कर देता हूँ। तो उसके बाद वो साइट लाइव हो जाती है। इट विल टेक वेरी फ्यू टाइम टू डेवलप ऑन लोकल मशीन एज कम्पेयर टू डेवलपिंग अ वेबसाइट ऑन लाइव सर्वर। वर्डप्रेस तो है एनीवे, वर्डप्रेस इज समथिंग एल्स। मैं ये बात हर एक के लिए कह रहा हूँ, आप चाहे कस्टम वेबसाइट बना रहे हो, चाहे किसी सीएमएस में बना रहे हो, चाहे किसी एमवीसी में। जैसे ये मैं वेबसाइट्स में मैंने अभी आपको दिखाया था L5 auth और ये देखें L5 auth.dev फाइल, तो ये लारावल की डिवेलपमेंट की फाइल है, ये मैं इस पर काम कर रहा था। तो ये यहाँ पे ये मल्टी लिंगुअल वेबसाइट बनाई थी छोटी सी मैंने, तो इस तरह L5 ब्लॉग है, ये ट्यूटोरियल्स मैं मेरे लारावल के भी ट्यूटोरियल यहाँ पे मौजूद है उनकी, ये इनके लिए मैं बना रहा था। तो यही वीडियो ट्यूटोरियल उनके लिए भी रिकमेंडेड है जो मेरे लारावल के वीडियो ट्यूटोरियल फॉलो कर रहे हैं, तो इस तरीके से वो भी अपनी लारावल के लोकल इंस्टॉलेशन को पब्लिक फोल्डर का पाथ दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ये L5 auth या L5 ब्लॉग के अंदर पब्लिक का फोल्डर का पाथ दिया, तो मुझे अब serve.php को index.php में चेंज करने की जरूरत नहीं, बल्कि L5 ब्लॉग.dev लिखूंगा तो वो ऑटोमेटिकली ये वाला रूट फोल्डर इसका बना देगा। ये डॉक्यूमेंट जब रूट होगा
ऑटोमेटिकली उनको कोई और चीज चेंज करने की जरूरत नहीं, और वो वैसे ही वेबसाइट को अपने लाइव सर्वर पर भी अपलोड कर सकते हैं इजीली। आई एम श्योर मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा और आपको इससे काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया तो काइंडली इसको लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब नाउ, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि जैसे ही मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको ईमेल में भी मिल जाएगी, और उसके अलावा जब आप यूट्यूब को अकाउंट अपने को ओपन करेंगे तो उस पर भी आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल, टेक केयर, अल्लाह हाफिज एंड बाय।